Guys, welcome to my channel. This is Lokesh Rajput and you are watching Experience. तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जो कंपनी फिटेड कह लो या फिर जो आफ्टर मार्केट भी आता है सोनी के हो गए पायोनियर के सिंगल डिन डबल डिन अभी तक वो एंड्रॉयड में नहीं आए हैं. अगर एंड्रॉयड है भी उनके तो बहुत अभी उतने यूजर फ्रेंडली नहीं है. ठीक है, मतलब जो बहुत ही इनका बेसिक प्लेटफॉर्म आता था ईजी टू यूज वही चीज है. एंड्रॉयड जैसे मल्टीपल फंक्शन नहीं है, आप एप्स लॉग इन नहीं कर सकते हो मल्टीपल. ठीक है, उसके बावजूद जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है जो कि साउंड क्वालिटी है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है. सोनी का XAV 1000 डबल डिन लगाया हुआ था, उसके जो फीचर्स थे बहुत ही अमेजिंग थे. सिंपल टू यूज, मतलब लेमन लैंग्वेज में कि नॉर्मली जो ओल्ड एज पर्सन भी हैं जिनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस नहीं चाहिए होते वो बहुत सही साउंड आउटपुट के साथ क्वालिटी के साथ अच्छा टच है, प्रीमियम टच है. ठीक है, द ओनली पॉइंट इज कि यार आजकल एंड्रॉयड का ट्रेंड चल रहा है. मैंने सोचा यार एंड्रॉयड वो बड़ी स्क्रीन से ना डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग दिखता है, मतलब कार का इंफोटेनमेंट आपका डैशबोर्ड स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है. मैंने भी अपग्रेड किया बट व्हाट आई फाउंड कि यार जो क्वालिटी होती है जो साउंड आउटपुट है, मैंने इसके अंदर हैवी स्पीकर्स लगवाए हुए हैं चारों डोर्स के अंदर, उसके बावजूद जैसे ही वो सेलर तो कहता है जी 19-20 का फर्क आएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, वो भी आपको हार्डली फील होगा. बट जब मैंने उसे इंस्टॉल किया विद इन आफ्टर यूजिंग रेगुलरली तब मुझे रियलाइज हुआ जो बेस था जो साउंड क्वालिटी थी ना वो 19-20 नहीं भाई 15-20 का फर्क आता. 15-20 मैंने माई TVS का लगवाया, यूज करने के बाद पता चलता है कि जितने भी ब्रांड चाहे नॉन ब्रांडेड हो चाहे ब्रांडेड हो सब लोग चाइनीज माल ही पेल रहे हैं सिर्फ अपनी ब्रांडिंग लगा के. सेम चीज है, सेम सॉफ्टवेयर, सेम एप्लीकेशन, सेम चिपसेट, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क आ रहा है. अगर आपको साउंड लवर हो, आपको बेसिक फीचर्स की ही रिक्वायरमेंट है जैसे कि आप गाने के शौकीन हो, ब्लूटूथ और आप अपना एप्पल कार प्ले थ्रू वायर्ड यूज करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर सोनी और पायनियर. साउंड लवर हैवी साउंड सिस्टम जितना भी लगाना है वो इजीली अडेप्ट कर लेता है, वो झेल लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है. ये इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ बनाए जाते हैं. मैंने लगवाया हुआ है डबल डिन, भाई देखने में बड़ा सुंदर लगता है, साथ में एम्बियंट लाइटिंग है बहुत सही. ये दिन का व्यू है तब इतना ब्राइटनेस दिख रही है एम्बियंट लाइटिंग की. और भाई देखने में देखो कितना प्रीमियम यहाँ तक आ रहा है. 9 इंच का है कंपैरेटिवली, उसमें 6 इंच का आता है. 6 इंच भी वो पूरा नहीं होता, मतलब 5.5-5.25 इंच के आसपास होता है, वो छोटा डिस्प्ले होता है क्योंकि साइड में उसके बटन्स होते हैं. पर भाई ये देखने में ही सुंदर है. अदरवाइज अगर जो साउंड लवर्स हैं भाई मैं तो ये कहूँगा इसके साथ मत जाओ. ठीक है, अभी 1-2 साल और रुको, टेक्नोलॉजी और अपग्रेड होने दो. सोनी पायनियर जैसे जो ब्रांड्स हैं इन्हें ही अपनी टेक्नोलॉजी में एंड्रॉयड अडाप्ट करने दो सो दैट की जो क्वालिटी है वो अच्छी निकल के आ सके. अदरवाइज अभी आप जाओगे फिर वही साउंड क्वालिटी के साथ और ये इन जिस तरीके का इसका मतलब इंटरफेस है आपको नॉर्मल एक जो चाइनीज एंड्रॉयड फोन होता था ना सेम वो वाली फीलिंग देगा, वो प्रीमियम वाली फीलिंग नहीं देगा. हाँ अगर आपको कार इन्फोटेनमेंट आप कंपनी फिटेड लेते हो और उसमें आपको एंड्रॉयड मिल रहा है जैसे ह्यूंडई दे रहा है, काफ़ी ब्रांड दे रहे हैं, मारुति भी दे रहा है, उसकी कंपैरेटिवली जो साउंड क्वालिटी है वो इससे मच 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 बेटर है. तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि भाई या तो कंपनी फिटेड पे जाओ, अदरवाइज कंपनी फिटेड अगर आप ऑप्शन वेरियंट में नहीं चूज कर रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा ऐप्स वगैरह वीडियोस देखने का काम नहीं है, सिर्फ आपको गानों से मतलब है. ठीक है, मैप चलाना है, वायर्ड एप्पल कार प्ले आपको जस्टिफाई करता है तो आप एंड्रॉयड चूज कर सकते हो. आई होप यू लाइक द वीडियो. जो भी मैं रिव्यू शेयर करता हूँ ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस के बाद ही मैं अपना रिव्यू शेयर करता हूँ. कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को किसी भी ब्रांड से कोई नफरत नहीं है. मैंने भी शौक के तौर पे लगवाया था अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, बट जो मुझे ग्लिच फील हुआ, जो मुझे बैक मतलब नेगेटिव पॉइंट्स फील हुए, हर प्रोडक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं, तो जो ये मेरे को कॉन्स फील हुए, प्रॉज तो यार दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, ट्रेंडी दिखता है, आप मल्टीपल एप्स चला सकते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह, मतलब यू कैन यू नो
प्ले इट लाइक योर मोबाइल डिवाइस, पर जो क्वालिटी है, आउटपुट है, वो उतना जस्टिफाइड नहीं है. ऑफ कोर्स जो कॉस्ट है, मैंने माई टीवीएस का लिया है, सोनी से कंपैरेटिवली डबल, जो सोनी का डबल डिन था उससे 1000-2000 ही सस्ता है, इससे ज़्यादा का कोई फर्क नहीं है. उसे बेचा तो बेचने पे भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं मिली, क्योंकि डबल डिन आज की डेट में या सिंगल डिन मेजरली लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज ये आपको सारी की सारी एंड्रॉयड स्क्रीन्स आपको 5-7 हज़ार से स्टार्ट हो जाती हैं. अब जो ब्रांड का लोगे, ब्लू पंक का लोगे, तो ऑफकोर्स वो 20,000-22,000-30,000 तक भी पहुँच रही हैं. मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्यों, उतनी साउंड आउटपुट नहीं है. अगर आपने हैवी स्पीकर्स लगाए हैं, हाँ लो साउंड क्वालिटी के, लो कॉस्ट के स्पीकर्स लगाए हैं, तो वो सही ठीक ठाक सा आपको एवरेज साउंड दे देंगे. बट अगर हैवी बेस वाले आपने स्पीकर्स इंस्टॉल कर लिए, तो भाई इसका चिपसेट उसे उठा ही नहीं पाता, उसको बेस दे ही नहीं पाता. देन यू हैव टू गो फॉर अ वूफर और सब वूफर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ बेस. ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड.